बिहार के किशनगंज जिले में 34वां जिला स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में जिला स्थापना दिवस के मौके पर 2 दिवसीय सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम बॉलीवुड के हास्य कलाकार एहसान कुरैशी, संगीतकार राजा हसन, श्रद्धा पंडित, मोनालिसा पी भट्टाचार्य सहित राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली नृत्य के साथ साथ स्थानीय दर्जनों कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं हजारों की संख्या में दर्शकों ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर आनंद उठाया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम तुषार सिंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, किशनगंज के विधायक इजहारुल हुसैन, जिला परिषद अध्यक्ष नुदरत महाजबी, एसपी इनामुल हक, नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान, एडीएम अनुज कुमार के द्वारा सभी कलाकारों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रेडिएंट इंस्टीट्यूट के निदेशक मिसबाहुद्दीन, राजकरण दफ्तरी त्रिलोक चंद जैन, इच्छित भारत, पूर्व विधायक मुजाहिद आलम, डॉक्टर अमीर मीनाज, डीडीसी स्पर्श गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जी, पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे जितना जिलावासी हैं, 34वां स्थापना दिवस बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। हमारे जितने भी प्रखंड हैं, अंचल हैं, जितने म्यूनसिपैलिटी हैं, सब थाने हैं, और जितने भी यहाँ के, जहाँ बाहर से लोग आकर बसे हैं, यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जनप्रतिनिधिगण को, जहाँ के मीडिया बंधुओं को, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने हमारे माननीय मुखिया प्रमुख, सब जो जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, सबको बहुत बधाई देते हैं। सर, अनुमंडल बहादुरगंज और ठाकुरगंज का अनुमंडल बनाने की मांग वर्षों से चल रही है। ये देखिए, ये राज्य स्तरीय विषय है। इस पर जब भी राज्य सरकार निर्णय लगी तभी इस पर उचित निर्णय होगा, लेकिन अभी उसको लेकर, लेकिन कार्य करने में, प्रशासनिक कार्य में कोई समस्या नहीं है। हमारे किशनगंज अनुमंडल भी काफ़ी तत्पर है, किशनगंज जिला भी, और हमारे प्रखंड और अंचल कार्यालय जो बहादुरगंज ठाकुरगंज में है, नगर पंचायत है, वो भी काफ़ी तत्पर रहती है। तो एज सच कोई डेली वर्क में कोई समस्या नहीं है। मैं कामना करता हूँ कि आने वाला दिन बिहार में सबसे, किशन जिला सबसे आगे रहेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जितने पदाधिकारी भी जब से आए हैं, मैंने देखा कि सब लोग बड़ा एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और इस जिला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, और जिला जिस हिसाब से चल रहा है, और मैं भी कामना करता हूँ, और मेरे जिला के वासी सब कामना करते हैं कि हमारा जिला पूरे बिहार में सबसे एक नंबर पर चले। अनुमंडल एक भी नहीं है। देखिए, तो एक्चुअली ये फैक्ट जो सरकार कहेगी, हम लोग भी मांग, हम लोग भी रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या मांग रख रहे हैं? जनप्रतिनिधि कहे और इसको अलग किया जाए, लेकिन राज्य सरकार का मामला है, अगर सरकार समझ में आ जाएगी या उनके जो गाइडलाइन में अगर आ जाता है तो इंशाल्लाह बन जाएगा। हर छोटे मामले को लेकर के अनुमंडल आना पड़ता है, बहादुरगंज में कोई शक नहीं है। मैं प्रतिनिधि हूँ, अलग बात है, मैं भी एक पब्लिक के हिस्से से बोल रहा हूँ कि हम लोग की दिक्कतें तो होती है, और जाहिर सी बात है, दिक्कतों को दूर करने के लिए अगर अनुमंडल बन जाता है सबसे बेहतर है। मैं भी मांग करता हूँ सरकार से, हमारी सरकार, मैं सरकार से मांग करता हूँ अनुमंडल को अच्छा होगा, ताकि लोगों को सुविधा हो, लोगों को आने में कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए हम लोग कोशिश, हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।